हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई ओला के शोरूम हम आ गए हैं अपनी R15 से और साथ में आया नरेंद्र। तो भाई आज वही ओला के शोरूम जहाँ पे मैंने आपको एक पहले भी वीडियो डाली हुई है वो भी यहीं की वीडियो है। उसमें भी हमने एक स्कूटी ली थी ब्लैक कलर की, वो देखो वो भी यहाँ पे है, वो नेम ही खड़ा उसको लेके। ये भी हमने यहाँ से ली थी और आज हमने दो ओला S1 Pro की डिलीवरी ली है, एक नरेंद्र की है एक विशाल की है। दोनों S1 Pro हैं, ये ब्लैक है और ये थोड़ा ब्लू इस टाइप का है, मैट ब्लू समझ सकते हो आप इसको। तो और ये पहले की है ये भाई, ये वाली नेवी की सबसे फर्स्ट वाली, ये खराब स्कूटी है, इसको 25,000 महंगी होती है। अब नींबू का जान निकाल के स्कूटी को जीवन देंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, नींबू मौत के घाट उतरने के तैयार, फंस गया मरने को तैयार है। और भाई मौत के घाट उतार दे इस पापी आदमी ने। चले तो भाई मैं ट्रस्ट खड़ी होएगी दिक्कत। ना 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 यार, हूं मैं बस फ्लाइट चलूं। ये इसका मीटर है भाइयों, स्कैम बता दो स्कैम। ये वाली जब हमने ली ना तो 1.65 की आई थी और ये अब ली है ये 1.45 की आई है। इसका काट दिया कंपनी ने बढ़िया। और कमाल चीज होता हूँ, ये जब ले रहा था ना तो ये और कहा कि जल्दी ले ले नहीं तो 75 की मिलेगी, 1.75 की। ये लोग दिस इज बिजनेस। फोन पे 2 लाख की आ रही थी। अब ये 1.65 पे इसने ना इंस्टॉलमेंट के लिए तब इतनी चाहिए भाई। और ओला को इसने बहुत प्रमोट किया है पर ओला ने इसका ही काट दिया। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, सस्ती होने की खुशी में दो ओला एक विशाल की और 25,000 टूट जाए तो और निकलवा एक और मैं एवरेज एवरेज लाभ अगले फिर तो और निकलवाए। ब्लैक ग्लॉसरी है ये, मिडनाइट ब्लू कलर है ये, इसको मिडनाइट ब्लू बोलते हैं और ये है ग्लॉसी ब्लैक, ये जो दोनों है। तो अपने पास अब 3 ओला हो चुकी है। 23,93 भाई, ये फैंसी नंबर और ये फ्री में मिल गया है, हमको कुछ करना भी नहीं पड़ा। तो भाई ये भी एक लक की बात है, इसके नंबर काफी सही है 23,93। तो भाई ये इसका बूट स्पेस आप देख सकते हो, बहुत जगह है इसमें। ये चार्जर इसका तो कुछ भी रख सकते हो, अभी वही है पिलियन के लिए है ये ग्रैब रेल। तो ये काफी सॉलिड है, मेटल की दी हुई। इस बार जो पहले जो आती थी ना, मैं दिखाता हूँ आपको, ये ऐसी हिल जाती है भाई। तो इसकी क्वालिटी इतनी खास नहीं थी, ये भाई इन्होंने चेंज करके बढ़िया क्वालिटी दे दी एकदम। और इसमें पार्ट थोड़े ना ऐसे प्रीमियम से दिए हुए हैं, ये देखो आप ऐसा, मतलब जुगाड़ सिस्टम नहीं बनाया हुआ, एक प्रॉपर जो होती है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो चीज होती है वो इसमें दिया हुआ है, पूरा फील वो वाली है इसमें। टायर देख सकते हो, टायर का विड्थ था ना इसका नॉर्मल स्कूटी जो रहती है ना उनसे थोड़ा ज्यादा है इसका विड्थ। और टायर भी मैं बता दूं आपको, रेडियल है, सिंपल है साइड वॉल पॉलिएस्टर भाई, रेडियल नहीं है। इसमें जो थ्रेड्स है ना दोनों पॉलिएस्टर के हैं, तो रेडियल नहीं है, टायर नॉर्मल है। लेकिन टायर की प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया है और विड्थ अच्छी है, और इसमें जो ये दिया है ना ये बढ़िया है एकदम, तो स्टेबिलिटी है इसमें भाई। अभी हमने वहाँ तक चला के आए थे तो इसका पिकअप काफ़ी बढ़िया फील होता है आपको, और ब्रेकिंग भी अच्छी है इसकी। बाकी डिलीवरी अब ले ही लिया तो 3-3 स्कूटियाँ हो गई है। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हवा जी ओला से, हवा जी ओला करो, ओला फिट एंड फिनिशिंग और सर्विस वगैरह सब मैं बताऊंगा आपको कैसी है इनकी। तो 3-3 है तो एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलेगा, मतलब काफ़ी चीज़ें हम आपको बता पाएंगे क्योंकि एक से पता नहीं चलता, 3-3 व्हीकल जब सेम ब्रांड के हो जाते हैं तो एक्सपीरियंस पूरा पता चलेगा। क्या बोला तूने? वाइट वाली भाई, एक और आई X+ कितने की? ऑन रोड
कैश में ना भाई, ये सबसे सस्ता मॉडल ओला का 96,000 का। मैं नहीं मानता, फोन कैश। तो ओला ने भाई रेंज काफी बढ़ा दी है, आप है ना 80-90 हजार से और 1,60,000-70,000 तक जा सकते हो। अलग अलग बैटरी पैक्स और अलग अलग स्पेक्स, एलॉय वगैरह, टायर का साइज, डिस्प्ले का साइज और बाकी बहुत सारी चीज़ों का चेंजेस रहेगा हर मॉडल में। तो सबसे बेस्ट अभी तक इसमें यही है और सबसे महंगा भी यही है और सबसे बेस्ट वेरिएंट जो टॉप वेरिएंट यही है ओला में, S1 Pro। इससे ऊपर ओला में अभी कुछ नहीं आता। जैसे ये है, ये है S1 Air। अब इसमें क्या रहेगा, एक तो मोटर मिलेगी आपको, दोनों साइड सस्पेंशन दोनों साइड मिलेंगे। और एक फायदा बता दूं मैं आपको इसका भी, हम मोटर तो इसमें लेकिन इसमें सस्पेंशन ट्विन सस्पेंशन है पीछे। तो भाई ये है ना, इनकी सॉफ्ट है ये थोड़े, और ये वाले थोड़े हैं हार्ड। ये भाई बहुत हार्ड रहता है ये। इसमें नया आया S1X Plus। हाँ, तो ये नया है, इसमें भी हैवी मोटर है, ट्विन सस्पेंशन है। बैटरी पैक कितना इसका, 2 किलोवाट 3 किलोवाट 3 किलोवाट का है। स्टार्टिंग का ही सर, 2 से 3 से। ये स्टार्टिंग तो अपना 2 का भी आ रहा पर अभी लॉन्च नहीं हुआ, अभी लॉन्च नहीं हुआ। 2 किलोवाट से 4 किलोवाट तक मिल जाएगा। हाँ, 2 से 4 किलोवाट तक का मिल जाएगा। और जो 2 किलोवाट का पैक है वो प्राइस कितना है, 2 किलोवाट का सर 90,000 कुछ का है। 90,000। और 4 किलोवाट वाले का, 4 किलोवाट जो अब आ रहा, जो सेकंड जनरेशन वाला, 1,45,000। इसमें आता है कि 4 किलोवाट S1X Plus आ रहा है, वो चाबी वाला आएगा सर, वो 1,21,000 का है। अच्छा, इसके फीचर्स बताना। इसके फीचर सर, डिस्प्ले भाई कलर्ड है, नॉर्मल है, इसकी नॉर्मल या LED स्क्रीन है सर, LCD पैनल इसमें। ये देखो सर, लॉक खुल रहे हैं इसके, इसमें स्पीकर भी नहीं है, इसमें म्यूजिक कुछ भी नहीं है, ये सारा सिंपल है। हाँ, मोबाइल से वैसे इसका लॉक अनलॉक कर सकते हैं। इसकी टॉप स्पीड कितनी जाएगी, 90 की रहेगी सर। और रेंज, रेंज 125 चलता है इको मोड पे, अगर 40 की स्पीड पे चलाते हैं इसको, ठीक है, एवरेज आदमी के लिए तो नॉर्मल है। हाँ सर, चलो धन्यवाद। तो भाई ये नया आया था S1X, तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। दोनों में डिस्क है, आगे भी पीछे भी रोटर है, और आगे भी डिस्क रोटर है। अकेले के लिए फोटो सोचते हुएगी। अच्छा, राजू बनेगा राजू, चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो भाई तेरी कौन सी है, ये वाली कैसे पता चलेगी, बड़े पैर वाले, बड़े पैर जिस पे छप रहे हो, इसकी है ब्लू, मिडनाइट ब्लू। और भाई तेरी कौन सी, विशाल ब्लैक, वो तो इसकी है, नेमी की, सबको पता है, मैं तो गई नेमी की गई। तो भाई नेमी का कट गया है बहुत बुरा, पिछली बार नरेंद्र कटा था, इसको चाय नहीं पिलाई थी, अब इसको चाय पिला के इसका काट दिया साले ने। बोल तो रहे भाई कॉफी की मशीन लाएंगे, लेकिन देखते कब तक, अभी तक नहीं लाए। हां, और पिछली वीडियो में मैंने आपको भी बताया था कि ओला के अंदर भाई पीने खाने का कोई सिस्टम नहीं है, चाय भी देते नहीं है ये, और अभी भी कोई इन्होंने सुधार नहीं किया, अभी भी वही सिस्टम है। लोग बैठे हैं ऐसे मक्खियां मार रहे हैं अंदर बैठे बैठे, कुछ लेना देना नहीं है। कुर्सियां भी साली इतनी टाइट रखी हुई, उसमें सोफा वोफा कुछ नहीं लगा हुआ है, और पैसे बहनचो मुंह फाड़ के मांगते हैं। ओला के शोरूम के आगे भाई ये जो ज्यादातर बाहर खड़ी हुई है ना, या तो ये सर्विस के लिए आई हुई है, या फिर किसी कस्टमर की है, या ऐसे ही है सारी, ज्यादातर तो सर्विस के लिए आई हुई है, कोई एक्सीडेंटल है, किसी में क्या है, किसी में क्या है। ये बाइक नहीं आई हुई, ये इसी इंजन की है, इसमें मोटर वगैरह नहीं है, पता ही होगा, कुछ सही नहीं। तो अब देखो कलर्स बताता हूँ मैं आपको, ओला में भाई कलर की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, वेरिएंट्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, अलग अलग बैटरी पैक्स, अलग अलग स्पेक्स, मतलब बहुत कुछ है। जो भी आपको चाहिए ना, 80,000, 90,000, 1,00,000, 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000, 1,60,000, इतने तक आपको इसमें अलग अलग वेरियंट्स, अलग अलग बैटरी पैक्स। और सबसे सस्ता इसमें ओला का शायद S1X वगैरह या प्लस इनमें से कोई सा है ना, वो आपको 80-85,000 से चल रहा है, ठीक है। और सबसे महंगा जो है ना इसमें, वो है S1 Pro। ये पुरानी वाली जनरेशन है, लेकिन सबसे महंगा यही है, और सबसे सस्ता S1X Plus ही है ना अभी फिलहाल तो। हाँ, तो वो वाला है, देखो ये रहा, सबसे सस्ता भी यही आ रहा है, और सबसे महंगा मैंने आपको बता दिया S1 Pro आ रहा है। अब इनमें कलर देखो मैं बताता हूँ आपको, ये कलर है, ये पर्पल शेड है, थोड़ी अच्छा कलर लग रहा है, ये भी भाई मैट वाइट है, ये कलर भी अच्छा है, ये है जेट ब्लैक एकदम, ये ग्लोसी है थोड़ा ना, ये भी वही है सेम, ये थोड़ा ग्रे शेड है, जैसे इसको आप समझ सकते हो, कौन सा कलर बताऊं, स्टार डस्ट जो कलर आता है ना कारों में, उसको आप समझ सकते हो, उससे कुछ मिलता जुलता सा है। ये ऑरेंज कलर है, इसको आप देख सकते हो, ये भगवा भगवा भाई भगवा कलर है, समझ सकते हो आप। एक ये है, ये कलर भी मस्त है, ये मैट है, और ये भी अच्छा लग रहा है कलर, ठीक है। तो ये सब कलर, इसमें एक कलर और दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई, इसमें देखो आप ग्राफिक्स भी है इस वाले में, ये भी शायद मैट ब्लू ही है, मैट ब्लू नहीं, ये ग्लॉस ब्लू है, ये मैट है और ये ग्लॉस है,
अब इसमें देखो आप थोड़ा स्टीकरिंग वगैरह दी हुई है, थोड़ा स्पोर्टी टच देने की कोशिश करी गई है। अब देखो एक कलर इसमें आता है, इसमें ये ब्लैक आएगा। ब्लैक कलर में थोड़ा ये फायदा रहता है कि इसमें ये नीचे की है ना ये, और ये पता नहीं चल देगा कि कलर डुअल टोन है कि नहीं। जैसे इसमें देख सकते हो आप, देखने में पता ही नहीं चलेगा, नीचे का भी सेम कलर है, ये भी सेम कलर है, ठीक है। अब वैसे तो एक चीज बताऊं, S1 Pro जो इसका है ना, उसमें बॉडी कलर्ड ही, ये नीचे का जो पैनल है ना ये भी बॉडी कलर्ड ही मिलेगा, लेकिन उससे जो नीचे के वेरियंट्स उसमें डुअल टोन है, वो कंपनी दिखाने के लिए करती है कि भाई ये सस्ता वाला, मतलब डिफरेंस रखने के लिए तो ये करती है। इसमें तो ट्विन है, उसमें सिंगल है, तो ये इसमें कलर सारे हैं।